जिन वक्त दिल्ली माते मुगलों की शक्ति लगातार कम होवे रही थी मुगलोरो लगातार पतन होवे रो हो तो उन समय महाराजा सूरजमल रो राज्य भरतपुर सूर्य ज्यो समको तो महाराजा सूरजमल रा पिताजी महाराजा बदन सिंह जी भी घना वीर और महान पुरुष था महाराजा बदन सिंह जी डिग कुम्भेर भरतपुर और बेर में नवा नवा दुर्गोरों निर्माण करवाया आगरा और मथुरा माते अधिकार करियो रो और उन्होंने भी आपे भरतपुर राज्य में मिला दिया महाराजा बदन सिंहगिरी सत्रह सौ छप्पन ईस्वी में अचानक निधन हो रो और उन्होंने बाद में महाराजा सूरजमल जी भरतपुर शासक बनिया महाराजा सूरजमल जी आगरा मथुरा मेरठ अलीगढ़ जड़ा क्षेत्रों ने अपोरे राज्य में मिलाया महाराजा सूरजमल जी शक्तिशाली तो हताईज उनरे ऊंड हाथे हाते वे घना बुद्धिमान भी राजनीति रे मायने कुशल आदमी था, था। इन वास्ते महाराजा सूरजमल जी ने रा प्लेटो तो या जाटों रा अफलातून वे, अफलातून मतलब एक यूनान रो आदमी तो जो घणो विद्वान और बड़ो ही शक्तिशाली आदमी तो।, तो महाराजा सूरजमल जी ने भी अफलातून जड़ो बतायो इतिहासकारों कि यह भी जाटों रहा अपलातून है इन वास्ते उन्होंने प्लेटो या री उपाधि दी, दी नोड़ी है उन समय हिंदुस्तान रो अगर उत्तर भारत में स्वभाव शक्तिशाली राजा कह रहा तो वह महाराजा सूरजमल जी कहरावता सत्रह सौ चौपन ईस्वी में जद मराठा नेता होलकर कुमेर माते आक्रमण करियो तो महाराजा सूरजमल जी आवरी चैना ने लेन वटे पूगा और उन आक्रमण ने निष्फल करियो नेता होलकर ने असफल कर दियो और सत्रह में आ महाराजा सूरजमल जी की बड़ी उपलब्धि थी मुगलों ने सबक शिकायता तक सूरजमल जी अफगान सरदार असद खां बख्शी सलावत खां और अहमद खारो दमन करियो उन्होंने युद्ध में परास्त करिया सतराह सौ ईस्वी में जद अहमद शाह अब्दाली आपरी फौज ने लेन दिल्ली में पहुंचियो और दिल्ली में कतलेआम मचायो लोगों ने लूट व ढूंको उनरा सैनिकों ने आदेश दियो के जो थोड़ी मर्जी एड़ो ऐडे जुल्म करो और इन लोगों ने लूटो अठारह मंदिरों ने तोड़ो तो उन समय अब्दाली आपरी सेना ने ले और बरजरे निकट जो तीर्थ था उन तीनों तीर्थों ने तोड़ो सैनिकों ने आदेश दियो तो उन समय महाराजा जी आपरा सैनिकों ने आदेश के है जाओ और वटे उणोसों युद्ध करो देखोगे संख्या में जरूर कम पर महाराजा जी रा सैनिक उणौती लड़ता हुआ वटेगण बलिदान दियो आपरो और शहीद हुआ सत्रह सौ इकसठ में पानीपत रो तीसरा युद्ध में जिनमें अहमद शाह अब्दाली आपरी सेना ने लेन आयो तो और एक तरफ मराठा हता। तो दोस्तों उनमें कहीं हो सदाशिवराव भाऊ जो है वो मराठोरो नेता तो वो आपरी सेना ने ले और अहमद शाह अब्दाली ने और जो भी मुस्लिम शक्तियों हैं उन्होंने दमन करें दिल्ली माते अधिकार करवा रहे इरादा सूँ वटाऊँ चा लियो तो सदाशिव राय भाऊ बहुत ही जिद्दी स्वभाव रो आदमी है तो उन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव कह के तुम उत्तर भारत में अगर इन्हो अहमद शाह अब्दाली हूँ धन्य है और उन्होंने थने शिकस्त देनी है तो तू महाराजा सूरजमल रो जरूर सलाह जे और परामर्श के बिना कोई मती जे लेकिन सदाशिवराव भाऊ अड़ो आदमी बहुत ही जिद्दी स्वभाव रो उन्हें महाराजा सूरजमल जी की सलाह लेने से मना कर दिया और वो सीधो ही आपरी सेना ने ले और पानीपतरा मैदान रे मैंने जापो उन युद्ध में मराठों ने बहुत ही घड़ी सती हुई अपूर्णीय नुकसान हुआ क्योंकि महाराजा सूरजमल जी उन्होंने सलाह दी दी थी कि अपने ने किन तरीका युद्ध करना है अपने ने किन समय माते आक्रमण करना है लेकिन सदाशिवराय भाऊ महाराजा सूरज मल जी बात नहीं मानी तो उन युद्ध में पसे मराठा जो था पहला ऊपर परिवार ने लेना आवता कटी भी तो उन युद्ध में जद मराठा स्थिति कमजोर हुई तो मराठा वठासू भरतपुर की तरफ भाग्या और पचास हजार मराठा परिवार ने महाराजा सूरजमल जी आपरा भरतपुर किला में शरण दीवी ने खाने पीने री चीज़ों दीवी और सबोरी रक्षा दीवी और रक्षा रो फर्ज नवाया और रक्षा करवारो वादों करियो कि भाई थे मारे शरण में हो तो थारी रक्षा मैं करूँगा। जबकि अहमद शाह अब्दाली चेतावनी देनी थी कि थे इन्हें तो ने शरण मत दो लेकिन महाराजा सूरजमल जीरो जो देखो जो अहमद शाह अब्दाली बिना डरीय

कोई मदद रियास आस रहती तो वे भी महाराजा सूरजमल जी कने आवता कि हा आदमी अपोरी मदद करेला सत्रह सौ तिरसठ ईस्वी में नजीम खा रे विरुद्ध युद्ध करता तका महाराजा सूरजमल जी वीर गति ने प्राप्त होया महाराजा सूरजमल जी एक बार दिल्ली माते आक्रमण करियो उन आक्रमण में उन्होंने वटासू नूर जहारो झूलो जो है वो उठावे भरतपुर लायो और आपरों मेलों में लगायो महाराजा सूरजमल जी भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग निर्माण करवायो, जो कि आज़ादी तक अविजित रो उनने कोई नहीं जीत सको क्योंकि उनरे सौ फूट चौड़ी जो एक खाई बनावड़ी थी और साठ फीट गहरी थी, उनमें हमेशा पानी रेवत उनमें मगरमच्छ रेवता अतरो सुरक्षित किल्लो डिगरा महल जो कि महल वगैरह बनाया इनों में गोपाल भवन हरिदेव भवन नंद भवन केशव भवन सावन भवन जड़ा मोटा मोटा महल बनाया उन महलों रे मायने महाराजा सूरजमल जी उनाला रे दिनों में रहवता क्योंकि जल महल उना में भी ठंडा रहता और महाराजा सूरजमल जी जटाखटा भी युद्ध माते युद्ध अभियान सो आवता तो बचे उन महलों में आप थकान मिटावता महाराजा सूरजमल जी रा पुरोहित मंगल सिंह जी एक साहित्य लिखियो सुजान संवत विलास मायने उन्होंने महाराजा सूरजमल जी से संबंधित इतिहास लिखियो। महाराजा सूरजमल जी शौर्य में रणकौशल में और सांस्कृतिक पुनरुद्वार में भी आगे हता। महाराजा सूरजमल जी तो वीर गति ने प्राप्त होया रहा लेकिन उन्होंने लारे वे एक विशाल किलेबंद सेना पंद्रह हजार घुड़सवार और पच्चीस हजार पैदल सैनिक और दस करोड़ खजानों जो कि उन समय में बहुत ही मोटी बात थी वो लार छोड़न किया महाराजा सूरजमल जी रे समय भरतपुर रो घणों विकास होयो और चहुमुखी विकास होयो जिन क्षेत्र में कहो उन क्षेत्र में विकास होयो साहित्य में शौर्य में रण कौशल में सब जगह भरतपुर रो डो बाज दो विश्व रे इतिहास रे मायने महाराजा सूरजमल जी अहड़ी लकीरों खींचन गया है जिन्होंने बेटावणी कदें भी असंभव है जय हो महाराजा सूरजमल जी अगर वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो धन्यवाद